इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रशासनिक शब्द हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द। इस तरफ मैंने हिंदी के प्रशासनिक शब्द लिखे हैं और उसके ठीक सामने उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद। सबसे पहला शब्द मैंने लिया है अपराधी। इसका छत्तीसगढ़ी में शब्द होगा अपराध करैया अथवा कसूरवार। अगला शब्द मैंने लिया है अपवृद्धि। अपवृद्धि का हो जाएगा अपविरधि। अपविरधि जो रह है पूरा हो जाएगा, ध भी पूरा लगेगा, अपविरधि। अगला शब्द है अपूरित मांग। अपूरित मांग बिन पूरा होवे मांग, बिन पूरा होवे मांग। अगला शब्द मैंने लिया है अपंजीकृत। अपंजीकृत इसका हो जाएगा बिन पंजीकृत, बिन पंजीकृत। अगला शब्द मैंने लिया है अधिमूल्य। अधिमूल्य इसका हो जाएगा बाढ़त और आगर, बाढ़त अथवा आगर। अगला शब्द मैंने लिया है अधिरोपित करना। अधिरोपित करना इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में मढ़ना अथवा आरोप करना, मढ़ना अथवा आरोप करना। अगला शब्द मैंने लिया है अधिकरण। अधिकरण इसका हो जाएगा न्यायालय, न्यायालय। अगला शब्द मैंने लिया है अनियमित। इसका हो जाएगा नियम बाहिर, नियम बाहिर। अगला शब्द लिया है अनिवार्य शर्त। अनिवार्य शर्त का हो जाएगा जरूरी शर्त, जरूरी शर्त। देखिए जो शक्कर का श है वो सरोता के श में बदल जाएगा, शर्त का शरत। उसके बाद अगला लिया है अनिवार्य सेवाएं। इसका हो जाएगा जरूरी सेवा। अगला शब्द है अनिर्णित। अनिर्णित इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में बिन फैसला अथवा बिन नियाव, बिन फैसला अथवा बिन नियाव। अगला है अविभाजित। अविभाजित इसका हो जाएगा बिन बटाए, बिन बटाए। अगला है अभिलेख। इसका हो जाएगा लेख अथवा संग्रह, लेख अथवा संग्रह। अगला शब्द मैंने लिया है अभियंता। अभियंता का हो जाएगा अभियंता। देखिए जो आधा न हो रहा था वो पूरा हो जाएगा, अभियंता। और इंजीनियर, इंजीनियर जो इंजीनियर में आधा न लगता है वो पूरा लगेगा यहाँ, इंजीनियर। उसके बाद अगला शब्द लिया है अभिभावक। इसका हो जाएगा देखैया, देखैया सियान अथवा पगरेत, अभिभावक का। अगला लिया है आस्तियां। आस्तियां का हो जाएगा आस्तियां, मतलब आस्तियां को जो है आस्तियां ही कहेंगे। इसके अलावा जो है धन दोगानी भी कहा जाएगा। उसके बाद अगला शब्द मैंने लिया है अध्ययनार्थ छुट्टी। अध्ययनार्थ छुट्टी तो इसका हो जाएगा पढ़े बर छुट्टी, पढ़े बर छुट्टी। अगला शब्द लिया है मैंने अध्यादेश। अध्यादेश का हो जाएगा अधियादेश, अधियादेश। ये जो आधा द है वो पूरा हो जाएगा और जो शक्कर का स है उसमें सरोता का स लग जाएगा, अध्यादेश। अगला शब्द मैंने लिया है अनभिज्ञता। इसका छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा अनभिज्ञता, मतलब कि जो पूरा जो है टूट जाएगा, अनभिज्ञता। इसके अलावा अनजान और अजान, अनभिज्ञता का। अगला शब्द मैंने लिया है अनुपस्थित। इसका हो जाएगा नई आईस, नई आईस अथवा आबेच नई करीस अथवा गैर हाजिर। अगला शब्द मैंने लिया है अनुचित। अनुचित का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में गलत। अगला है अनुवाद। अनुवाद का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में अर्थ करना, अर्थ करना। ये जो अर्थ है अर्थ, अर्थ का अर्थ। अगला है अनुकूल, मतलब इसका छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा उचित वातावरण, उचित वातावरण, सॉरी उचित वातावरण, उचित वातावरण। अगला है अनुबंध करना। इसका हो जाएगा करार अथवा बंधना अथवा बंधागे। अगला शब्द है अनुकंपा। अनुकंपा का हो जाएगा कृपा, कृपा अथवा अनुकंपा, मतलब कि अनुकंपा को जो है अनुकंपा ही कहेंगे, इसके अलावा कृपा। अगला है अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र का हो जाएगा अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगला शब्द है अर्जन। अर्जन का हो जाएगा पाना, पाना अथवा पाए गए। उसके बाद अगला है अवयस्क। अवयस्क का हो जाएगा नाबालिक। देखिए हिंदी में नाबालिग लिखा जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ी में ग का जो है क हो जाएगा, नाबालिक। अगला शब्द है अवैतनिक। अवैतनिक का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में बिन तनखा के, बिन तनखा के, अथवा इसी को कहेंगे अवैतनिक, मतलब कि ये जो है वन का व ब हो जाएगा और यहाँ यह जुड़ जाएगा, अवैतनिक। उसके बाद अगला है अवज्ञा। अवज्ञा इसका हो जाएगा बात नहीं मानिस अथवा हुकुम नहीं, नहीं मानना, हुकुम नहीं मानना। अगला शब्द है अस्वीकृत। अस्वीकृत का हो जाएगा अस्वीकृत, अस्वीकृत अथवा नहीं माने,
उसके बाद अगला है अंशकालिक। अंशकालिक इसका हो जाएगा थोर दिन भर मतलब कि कुछ दिनों के लिए। अगला है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसका हो जाएगा छापे दाम अथवा लिखे दाम। छापे दाम अथवा लिखे दाम इसके जगह जो है कीमत भी बोला जा सकता है। कीमत कीमत जो है उसमें आधा म और पूरा म लगेगा कीमत। उसके बाद अगला है आतिथेय। आतिथेय इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में घर तिया। घर तिया। अगला है आवश्यक कार्यवाही। आवश्यक कार्यवाही इसका हो जाएगा जरूरी कार्यवाही। जरूरी कार्यवाही। अगला शब्द है आश्वासन। आश्वासन का हो जाएगा भरोसा अथवा प्रतीत। भरोसा अथवा प्रतीत आश्वासन। अगला शब्द है अनौपचारिक। अनौपचारिक का हो जाएगा नियम अनुसार। नियम के अनुसार अनौपचारिक। अगला है अज्ञात। अज्ञात का हो जाएगा अज्ञात। अज्ञात अथवा अनजान। अज्ञात अज्ञात अनजान। अगला शब्द है अंतरिम आदेश। अंतरिम आदेश इसका हो जाएगा काम चलाऊ आदेश। काम चलाऊ आदेश। अगला शब्द मैंने लिया है आगामी। आगामी का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में अवैया। आगामी अवैया मतलब आने वाला। अगला लिया है शब्द अंगीकरण। इसका हो जाएगा ग्रहण करे अथवा परगहनी। ग्रहण करे अथवा परगहनी। अगला शब्द मैंने लिया है उद्धरण। उद्धरण इसका हो जाएगा हवाला। उद्धरण का छत्तीसगढ़ी में हवाला। अगला शब्द है उच्च पदाधिकारी। उच्च पदाधिकारी मतलब कि जो बड़ा अधिकारी होता है उच्च पदाधिकारी। तो इसको छत्तीसगढ़ी में कहेंगे बड़े साहेब। बड़े साहेब। अगला शब्द है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार इसको जो है उत्तराधिकार ही कहेंगे। उत्तराधिकार को इसके अलावा जो है लंबरदार शब्द प्रयोग किया जाता है उत्तराधिकार के लिए। अगला शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है खत्म। खत्म अथवा रोकथाम। खत्म अथवा रोकथाम। अगला शब्द मैंने लिया है एकमात्र। एकमात्र इसके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द प्रयोग किया जाएगा एकेठन अथवा एकैच। एकेठन अथवा एकैच। अगला है एकरूपता। एकरूपता इसके लिए शब्द होगा एक जैसन। एक जैसन मतलब कि एक जैसा एकरूपता। अगला है लिपिक अथवा क्लर्क। लिपिक अथवा क्लर्क इसके लिए शब्द होगा बाबू। लिपिक अथवा क्लर्क। अगला शब्द मैंने लिया है काल्पनिक। तो काल्पनिक का हो जाएगा मन गढ़न। अगला शब्द लिया है मैंने कार्यवृत्त। कार्यवृत्त इसका हो जाएगा काम के विवरण अथवा काम के रूपरेखा। कार्यवृत्त का। अगला शब्द मैंने लिया है कार्यालय अथवा दफ्तर। कार्यालय अथवा दफ्तर इसका हो जाएगा कार्यालय। देखिए जो र आधा लगा है कार्यालय में वो पूरा हो जाएगा कार्यालय। और दफ्तर का हो जाएगा दफ्तर मतलब जो फल का प है वो पूरा हो जाएगा दफ्तर। और हो जाए इसके अलावा जो है ऑफिस। जो अंग्रेजी में जो ऑफिस लिखा जाता है उसको यहाँ ऑफिस लिखेंगे ऑफिस। अगला है कुर्की। कुर्की का हो जाएगा कुर्की। जो आधा र है वो पूरा हो जाएगा कुर्की का। कुर्की अथवा संग जोरहा। संग जोरहा। अगला शब्द है खाद्यान्न। खाद्यान्न के लिए शब्द प्रयोग होगा खाए के जिनिस। खाए के जिनिस। जिनिस जो है वस्तु को कहा जाता है। अगला शब्द है गबन। गबन के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द होगा चपकना अथवा गबन करे अथवा चुराना अथवा गफलत करना। गबन के लिए। अगला शब्द है जासूस। जासूस अथवा गुप्तचर। जासूस अथवा गुप्तचर के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द होगा भेरी अथवा जासूस मतलब कि जासूस को जो है जासूस ही कहेंगे। इसके अलावा भेरी। अगला शब्द है भंडागार। भंडागार अथवा गोदाम। भंडागार अथवा गोदाम इसको छत्तीसगढ़ी में कहेंगे गोदाम। गोदाम का हो जाएगा गोदाम अथवा कोठी। अगला शब्द है घोर त्रुटि। घोर त्रुटि का हो जाएगा बड़ गलती। घोर त्रुटि का क्या होगा बड़ गलती मतलब कि बहुत बड़ा गलती। अगला शब्द है चिकित्सा छुट्टी। चिकित्सा छुट्टी का हो जाएगा बीमारी छुट्टी। बीमारी छुट्टी। अगला है छूट अथवा रियायत। छूट अथवा रियायत इसके लिए शब्द प्रयोग होगा छत्तीसगढ़ी में ढील अथवा छूट अथवा ढील देना। ढील छूट अथवा ढील देना। अगला शब्द है जलपान। जलपान इसके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द होगा नाश्ता। देखिए जो हिंदी में जो नाश्ता लिखा जाता है बीच में आधा शक्कर का स आता है लेकिन यहां जो है पूरा सरोता का स आएगा नाश्ता।
इसके अलावा शूल्पाहार, जो स्वल्पाहार लिखा जाता है हिंदी में स्वल्पाहार, तो उसका शूल्पाहार। उसके बाद अगला शब्द है जालसाजी। जालसाजी का हो जाएगा धोखाधड़ी, धोखाधड़ी अथवा धोखाधड़ी भी लिखा जा सकता है, मतलब कि जो है र के जगह ड़ भी लिखा जा सकता है, धोखाधड़ी अथवा धोखाधड़ी चालसाजी। अगला शब्द है जानबूझकर। जानबूझकर इसके लिए शब्द होगा सोचे विचारे अथवा जबरिया अथवा जान के, जानबूझकर। अगला शब्द है जीविका। जीविका इसके लिए शब्द प्रयोग होगा जिए के साधन, मतलब कि जीने के साधन, जिए के साधन। अगला शब्द है तटस्थ। तटस्थ इसका हो जाएगा तटस्थ, जो आधा स है वो पूरा हो जाएगा तटस्थ। इसके अलावा मध्यम, मध्यम तटस्थ अथवा मध्यम। अगला शब्द है तदनुरूप। तदनुरूप इसका हो जाएगा ओखरे जैसन, ओखरे जैसन अथवा वैसने, मतलब कि उसके जैसा, तदनुरूप, तदनुरूप ओखरे जैसन अथवा वैसने। अगला शब्द है तत्काल। तत्काल का हो जाएगा तुरुते ताही अथवा तुरुत अथवा झटपट। अगला शब्द है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का हो जाएगा गलत व्यवहार, गलत व्यवहार अथवा आदत खराबी। अगला शब्द है दैनिक मजदूरी। इसका हो जाएगा रोज के बनी अथवा रोजी। अगला शब्द है दर अथवा रेट। दर अथवा रेट इसका हो जाएगा दाम अथवा भाव अथवा कीमत। दाम भाव अथवा कीमत दर अथवा रेट का। उस बाद अगला शब्द है दोषी। दोषी के लिए शब्द प्रयोग होगा कसूरदार। कसूरदार इससे पहले हमने देखा था अपराधी, अपराध करैया, ये मतलब ये इसको भी हम उसी में ले सकते हैं, दोषी कसूरदार। अगला शब्द देखिए दौरा। इसका हो जाएगा दौरा, दौरा का दौरा। अगला शब्द है दक्षता। दक्षता इसके लिए शब्द होगा कुशल अथवा दक्ष, जो ये आधा क और छत्ता का छ, दक्ष। इसके अलावा काबिल अथवा होशियार, ये किसके लिए, दक्षता के लिए। अगला शब्द है दिनांक अथवा तिथि अथवा तारीख। दिनांक तिथि तारीख इसके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द प्रयोग किया जाएगा तारीख, मतलब कि तारीख को जो है तारीख ही कहा जाएगा, दिनांक तिथि तारीख का तारीख। आखिरी शब्द है न्यायालय। इसका हो जाएगा न्यायालय, न्यायालय अथवा कचहरी अथवा कचहरी। तो ये था प्रशासनिक शब्द हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द। इसके आगे के जितने भी शब्द बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।